सरकारी कर्मचारी माटे आवी शके छे सारा समाचार। आवतीकाले कर्मचारी संगठनों साथे पीएम नी बैठक छे। पेंशन एनपीएस सहित ना अनेक मुद्दाओं पर चर्चा थशे। जूनी पेंशन योजना लागू करवानी मांग मुद्दे चर्चा थशे। पीएम मोदी साथे नी बैठक बाद महत्वनी जाहेरात थई शके छे। वधु माहिती साथे संवाददाता अजय यादव फोन लाइन पर जोड़ा छे अमारी साथे। जी अजय, सरकारी कर्मचारियों के साथ कल प्रधानमंत्री मीटिंग करेंगे, कितने बजे वो मीटिंग करेंगे, क्या है ज्यादा जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह की कोई बैठक करते हैं तो कोई बड़ा समाचार आने वाला ही होता है। आपको याद होगा कि एससी एसटी रिजर्वेशन पे जब प्रधानमंत्री एससी एसटी सांसदों के साथ मुलाकात किए थे तभी यह तय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसके साथ नहीं है, बल्कि जो दलित संगठनों की मांग है उसके साथ खड़ा है। और उसी के अनुसार आप देख सकते हैं कि भारत बंद का भी आह्वान दलित संगठनों की तरफ से किया गया है। लेकिन अब दूसरी महत्वपूर्ण खबर ये आ रही है कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन है, लेकिन कल जो सरकारी संगठन या के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ प्रधानमंत्री आवास पर बैठक करने वाले हैं। तो ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि चूंकि सरकारी जो कर्मचारी है उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम या सरकार की तरफ से एनपीएस की बात लगातार की जा रही है तो इस मामले में कोई बड़ा फैसला सरकार की तरफ से आ सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पे ये नहीं कहा गया कि क्या इस मामले पे निश्चित तौर पे सरकार की तरफ से कोई बड़ा फैसला लिया जाना है, लेकिन ये जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि सरकारी कर्मचारियों से मिल रहे हैं तो अनुभव ये बताता है कि निश्चित तौर पे कोई बड़ा फैसला ही आने वाला है। तो कल ये मुलाकात होने वाली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यूक्रेन से लौटेंगे तब पीएम आवास पर यह बैठक होने वाली है। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए शुक्रिया।